This call is now being recorded. Good morning, everyone. Thank you, teachers, for joining us today. And today we are taking an online feedback session since this is the first time we are dealing with Class 1 students on the online platform. So let's discuss what are the problems and what are the good things that you are facing or that you have in the experience of teaching through the online mode. So let me first talk to Manju ma'am. Manju ma'am, good morning. Good morning. So Manju ma'am, you are a senior teacher in our school. So what do you feel that apart from not being able to see all the students of your class face to face, right from the way they have been admitted, you have never met them, what is that bothers you the most in the online teaching and learning method? So what is the thing that bothers you since you have never met the children? How you take up guiding them? नहीं, वैसे तो बच्चों से नहीं मिले हैं. ऑनलाइन टीचिंग का अपना अलग एक्सपीरियंस हो रहा है. बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को देख के. बच्चे खुश होते हैं ऑनलाइन में, कंप्यूटर वगैरह पे करते हुए, लैपटॉप पे, मोबाइल पे. उनका अलग एक्सपीरियंस होता है. बच्चों से भी बढ़िया, अपने टीचिंग के अलावा भी और बातें होती रहती हैं, तो अच्छा भी लगता है बच्चों के साथ बात करके. मगर स्कूल वाला माहौल तो फील तो करते ही हैं, मिस करते हैं स्कूल को बच्चे भी. क्योंकि स्कूल में जो टीचिंग होती है, बच्चों से हम पर्सनली, बच्चों से आराम से बात कर सकते हैं स्कूल के अंदर, एक एक बच्चे पे अच्छे से ध्यान दे सकते हैं. मगर ऑनलाइन में सब बच्चों के फेसेस एक साथ नज़र नहीं आते हैं, और कुछ डिस्टर्बेंस तो आती रहती है. इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है बच्चों के साथ. तो कभी बच्चे कहते हैं सुनाई नहीं दे रहा, कभी दिखाई नहीं दे रहा, वो सब चलता है. तो वो हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर नहीं पाते उस टाइम एकदम. ये इससे हमें बड़ा वो लगता है कि भाई किसी तरह करके हम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, मगर इतना टाइम भी नहीं होता हमारे पास भी. क्लासेस का 40 मिनट्स का टाइम होता है, तो जितना हमसे होता है हम करते हैं. कुछ मिस भी कर रहे हैं, और कुछ चीजें बहुत अच्छी भी लगती हैं बच्चों के साथ. वो अपने घर के माहौल में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो कभी ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे घर में ज्यादा अच्छा सीख रहे हैं. जो बच्चे क्लास में नहीं कर पा रहे थे, वो पेरेंट्स के साथ बैठ के, पेरेंट्स उनके बैठे रहते हैं उनके साथ, तो वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं पेरेंट्स भी. हाँ जी मैम, आप इंग्लिश पढ़ाते हो तो आप मिस करते होगे, जैसे आप बोल रहे थे बच्चों को हम देख नहीं पाते हैं, बच्चों को हम जो है बच्चों के पर्सनल टच आप मिस कर रहे हैं बच्चों के साथ में. स्पेशली जब क्लास 1 के बच्चे आते हैं, हम उनको लिखना सिखाते हैं, तो आप उनका हाथ पकड़ के जो लिखवाते थे वो हम मिस. कुछ बच्चों को हाँ डेस्क पे बैठ के उनके साथ बैठ जाते हैं. वहां पे जो क्लास में बैठ होता था कि भी हम उनके साथ ही चेयर पे बैठ गए, थोड़ी सी जगह लेके, और उनके साथ ही उनको पकड़ के सिखा रहे हैं, तो उनको जो वो पर्सनल टच वाली फीलिंग है ना, वो उनको वो मिस कर रहे हैं हम. तो उनको भी अपनापन लगता है. अभी बच्चे भी थोड़े डरे हुए थे. कई बच्चों के पेरेंट्स कहते हैं कि मैडम जी वैसे तो ये बोलता मगर ऑनलाइन ये कैमरे में बोलते हो ना एकदम डर जाता है. तो कह रहे वैसे इसको रीडिंग आती है मगर पता नहीं ऑनलाइन ये ऐसे बोलते हो ना, जैसे आप इसका नाम लेते हो ये एकदम डर जाता है. तो मैंने कहा भाई ठीक है, मैंने कहा मगर क्लास में भी थोड़ा सा तो आपको कॉन्फिडेंस इसका बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि क्लासेस होगी तो क्लास में तो बोलना ही है. कह रहे नहीं वो तो कर लेगा. अब पता नहीं, अब हो सकता है कि कुछ बच्चे कैमरे पे बोलते हुए डरते हो सकता है क्लास में ज्यादा अच्छा करे. तो आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे पेरेंट्स के लिए, गार्डियंस के लिए इस समय, क्योंकि बच्चे तो अभी ऑनलाइन मोड से ही अभी क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं, तो कुछ सजेशंस हैं पेरेंट्स और गार्डियंस के लिए कि किस तरह से वो इन दिस सिचुएशन भी अपने बच्चों को मतलब आगे प्रोग्रेस करवा पाए नहीं, या हमारी हेल्प थोड़ी और पेरेंट्स हो ना जाए. बस ये नहीं समझ में आता है कि माइक ऑन करते हैं, उनको लगता है बस मेरा बच्चा सबसे सही जवाब दे दे सबसे पहले, जबकि बता रहे पेरेंट्स ही होते हैं, पेरेंट्स ही बताते हैं आंसर, मगर उनको लगता है कि मेरा बच्चा जवाब दे. उनको कितनी बारी कहा है भी कोई मार्क्स नहीं है इसके, कोई ग्रेड्स नहीं मिल रहे, बच्चे को बोलने दो. मगर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सामने आ रही है ना, कि वो पेरेंट्स बच्चों को बोलने ही नहीं देते तो मतलब उनको. बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स को थोड़ी सी हाँ पेशेंस रखने की हाँ जरूरत है. पेरेंट्स को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए कि भाई बार बार जब बोला है जिस बच्चे का नाम लिया वही बच्चा आंसर दे तो ज्यादा बेटर है. और हर पेरेंट सोचता है कि मेरा बच्चा सबसे आगे आए, ये सबसे बड़ी पेरेंट्स के साथ हमारी प्रॉब्लम ये आ रही है कि हर पेरेंट्स ये सोचता है कि मेरा ही बच्चा सबसे आगे आए. ऐसे लगता है मंजू मैम के जैसे हम क्लासेस जब देख रहे होते हैं तो ऐसे ही लग रहा है कि पेरेंट्स भी ये बच्चे बन गए. हाँ
उनको लगता है कि हमें आंसर आता है, हम बता दे बस फटाफट कि भाई पता नहीं ऑल क्यों राइट. ग्रेड कम हो रहा है इसका, क्या नंबर कम हो रहे हैं. अब जैसे टेस्ट भी लिया है, टेस्ट डिक्टेशन वगैरह, तो सबके ही सारे कैसे वर्ड सही आ सकते हैं बताओ. उनको मैं वैसे पर्सनल स्पेलिंग पूछती हूँ तो नहीं बताते हैं, या उनके मदर फादर पीछे से बोल रहे होते हैं स्पेलिंग भी, ये तो पेरेंट्स तो शुड सब नॉट हेल्प. लाइफ. पेरेंट्स जो है, जब बच्चा आंसर, बच्चे के टाइम पे लेट द चाइल्ड आंसर, पेरेंट्स शुड नॉट हाँ, हेल्प इन पेरेंट्स को बिटवीन. पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, पेरेंट्स को पेशेंस रखना. उनको खुद ही समझना चाहिए कि भी ऑनलाइन टीचिंग में टीचर के लिए कितना मुश्किल है, इतनी सारी आवाजें, फिर डिस्टरबेंस आ जाती है सबके बोलने में, तो इसमें थोड़ा सा पेरेंट्स को बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है. ऑल राइट, ओके. एंड मैम, एनी असिस्टेंस यू थिंक दैट यू रिक्वायर फ्रॉम द स्कूल और आरओ, सो दैट द ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग कैन बी इम्प्रूव्ड? नहीं, बस हमारा तो यही है कि जैसे अब 3 दिन स्कूल से हो रही हैं क्लासेस, स्कूल से 3 दिन क्लासेस ले रहे हैं, तो अभी भी मुझे क्लास में जैसे बच्चे कहते हैं कि मैडम अभी आपकी आवाज क्रैक कर रही है, अब आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, जबकि घर में मेरे को ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी. तो थोड़ा सा वाईफाई वगैरह स्कूल वाला जो मिल जाए अच्छे से, तो हमारी ऑनलाइन टीचिंग वहां पे स्कूल में भी सही से हो जाए. तो बस यही स्कूल में थोड़ा सा अभी यही देखने में लग रहा है मुझे तो, कि भाई वाईफाई एक हमारे अच्छा. लाइब्रेरी में लगा हुआ होगा तो उससे थोड़ा सा हमें फायदा हो जाएगा. ओके ओके, ऑल राइट. वो तो हम इम्प्रूव कर ही रहे थे, जब क्योंकि बात हुई थी हमारे सर से, तो ही इज गोइंग टू हेल्प अस इन दैट. सो आई होप दैट इशू विल बी रिजॉल्व सून. चलिए, थैंक यू सो मच. लेट मी ऑल्सो नाउ आस्क तनुजा. तनुजा मैम, यस मैम so since you are the music teacher with the class 1 students this year, what about you? What challenges are you facing since you've never met them? What is the thing that is bothering you the most? मैम, ऐसे तो मजा ही आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और बच्चों को सिखाने में प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और एक एक करके बात भी कर लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग क्लासेस में बैठे होते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं पीछे छुप के बैठ जाते हैं, वो बात ही नहीं करते. और यहाँ क्या होता है कि हम जब नाम लेते हैं बेटा आप बोलो, तो अगर बच्चा डर भी रहा है तो उसके पेरेंट्स हेल्प करते, नहीं तुम्हारा नाम मैम ने बोला है तो तुम्हें बोलना है, तो वो अच्छा अच्छी बात है. और थोड़ा बुरा इसलिए लगता है मुझे, स्पेशली ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि मैं ग्रुप में कुछ नहीं करा पाती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन में तो फिर सोलो सोलो ही होता है, ग्रुप डांस हो गया, ग्रुप सॉन्ग हो गया, ड्रामा हो गया, ये सब कुछ हमारा जो है, हमारी एक्टिविटीज ये सारी जो है वो छूट रही है. लेकिन फिर भी ओके. अच्छा है, बच्चे बच्चे बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पेरेंट्स भी बहुत हेल्प कर रहे हैं उनके, और अच्छा चल रहा है. हम लोग सारे सेलिब्रेशन जितने भी हमारे स्कूल के हैं, जो भी आते हैं आरओ से जो भी, वो हमारे छूटते नहीं है, बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं. और मेरे सब्जेक्ट के लिए मैम एक ये बहुत बड़ा फायदा भी है ऑनलाइन क्लास, कि बच्चों को कैमरा फेस करने आ रहा है, क्योंकि बच्चे क्या होता है अचानक से उनके, हाँ उनके फेस पे अचानक से आप कैमरा दिखा दो तो बच्चे थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं कि अरे मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं. इस चीज से बच्चों को जो है ना बहुत फायदा होगा कि उनको थोड़ा सा उनका डर हटेगा स्टेज पे बोलने का, अकेले बोलने का और कैमरे के साथ बोलने का. तो भगवान करे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आगे निकले इस फील्ड में भी, म्यूजिक में, गाने में, डांस और इंस्ट्रूमेंट में, तो वो कैमरे से नहीं डरेंगे, वो बिल्कुल निडर होके स्टेज पे जो है आराम से करेंगे वो, और सो हम अच्छा अभी लगता से, है. यस मतलब मैम, अच्छा लगता है. और क्लास वन में से ही हम बच्चों को आर्टिस्ट जो है प्रिपेयर कर रहे हैं. सो ये जो हाँ, ऑनलाइन मेरा तो, मुझे तो क्लासेस बड़ा इज मजा हेल्पिंग आता इन है. दैट हाँ केस. ओके, यस ऑल यस राइट, मैम, और ऑल राइट. पेरेंट्स भी, और पता है मैम इतना अच्छा लगता है, पेरेंट्स भी साथ में उनके बैठ के गाते हैं और बोलते हैं बोलो मैम ने ऐसा सिखाया ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि पेरेंट्स को भी गा रहा है, पेरेंट्स को भी म्यूजिक अच्छे से समझ में आ रही है, अच्छे से कर पा रहे हैं वो भी. वरना पहले होता था कि अरे बच्चा गया स्कूल, थोड़ा बहुत म्यूजिक किया, क्या किया, कुछ नहीं किया, चले आए. लेकिन जब वो घर पे बैठे हैं और पेरेंट्स को भी पता चल रहा है कि मैं उन्हें क्या सिखा रही हूँ, उससे उन्हें क्या फायदा होगा, मैं उनको फ्यूचर में भी बताती हूँ कि आपको फ्यूचर में इससे ये फायदे होने वाले हैं. आजकल आप देखो टीवी शोज वगैरह, छोटे छोटे बच्चे आगे हैं ना, 5-4 ईयर्स के बच्चे आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो वो उनको बहुत फायदा होता है. तो पेरेंट्स भी सीख रहे हैं और बच्चों को वो भी सिखा रहे हैं और पार्टिसिपेट भी करा रहे हैं और खूब मेहनत कर रहे हैं, तो अच्छा लग चलिए, रहा है. बस ओके. थोड़ी उम्मीद है कि और पार्टिसिपेट करें वो, और और आए आगे पार्टिसिपेट करें. क्लासेस और ज्वाइन करें बच्चे. हाँ
ओके थैंक यू तनुजा मैम फॉर द फीडबैक. मैम मैम एक्सक्यूज मी यस मैडम, मैम. एक्सक्यूज मी बेटा अनुष्का आयुष एंड मयंक, अभी आप थोड़ी देर के लिए लीव कर दो, जब मैं आपको क्लास ग्रुप में टाइम डालूंगी ना, आप तब ज्वाइन करेगा, ठीक है बेटा? अभी स्टूडेंट्स का सेशन स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है, सो आप तीनों प्लीज लीव कर दो, मैं आपको क्लास ग्रुप पे टाइम डाल दूंगी. ओके आयुष, ओके यू ऑल्सो प्लीज लीव. ओके मैम, थैंक यू. ओके थैंक यू. नेक्स्ट लेट्स टॉक टू सुमिता मैम. सुमिता मैम थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग. सो एज वी वर टॉकिंग अबाउट द फीडबैक, सो व्हाट डू यू फेस, व्हाट इज द थिंग दैट बॉदर्स यू द मोस्ट सिंस यू हैव नॉट मेट द चिल्ड्रन दिस ईयर, यू हैव नॉट सीन द चिल्ड्रन, सो व्हाट इज बॉदरिंग यू द मोस्ट, व्हाट इज मोस्ट प्रॉब्लमैटिक इन द ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म दैट वी आर गिविंग. सुमिता मैम आप म्यूट पे हैं. हेलो यस नाउ यू आर हेलो, ऑडिबल मैम. यस ओके. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी दैट स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट दिस ईयर. स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट एंड आई थिंक दे आर वेरी मच अवेयर टू कैमरा एंड टेक्नोलॉजी. दे कैन डू इट देमसेल्व्स, दैट इज द मेन प्रॉब्लम आल्सो, बिकॉज दे म्यूट एंड दे अनम्यूट देमसेल्व्स. दे कैन क्लिक द कैमरा ऑल्सो, तो दैट इज अ प्रॉब्लम, और वी कैन से इट्स नेगेटिव पॉइंट एज वेल एज पॉजिटिव ऑल्सो, दैट दे आर गोइंग विद द वर्ल्ड, दे आर है ना? एबल टू यूज द टेक्नोलॉजी, द लेटेस्ट 21st century टेक्नोलॉजी दे आर एबल टू यूज. बट ओके वन थिंग आवर प्रॉब्लम दैट वेन एवर आई टेक द रीडिंग टेस्ट, तो पेरेंट्स दे आर हेल्पिंग देम. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट, बट एट द टाइम वेन द टीचिंग इज गोइंग ऑन दे शुड नॉट डू दिस. जैसे वो ऐसे बोलते हैं, पढ़ो पढ़ो बेटे पढ़ो, एंड दे यूज टू टेल देम द वर्ड. तो आई थिंक करेक्शन पार्ट शुड बी डन बाय द टीचर ओनली वेन द क्लास इज गोइंग ऑन. ओके सो हाउ आर यू कोपिंग विद दिस इश्यू, बिकॉज जनरली पेरेंट्स टेंड टू स्पीक इन बिटवीन द क्लास, सो हाउ डू यू कोप अप विद दिस सिचुएशन? नहीं, आई नेवर से एनीथिंग. आई एम टेलिंग यू ओनली अबाउट दिस, बट आई ओके नेवर से एनीथिंग टू द पेरेंट्स, बिकॉज मे बी दे हैव सम प्रॉब्लम और दे थिंक दैट दे आर डूइंग करेक्ट थिंग. दैट इज वाई आई नेवर से एनीथिंग टू देम, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज अ प्रॉब्लम विद मी. वेन एवर आई टेक रीडिंग टेस्ट और रेसिटेशन और एनीथिंग, लाइक इफ दे रीड क्वेश्चन ओके आंसर एंड एनीथिंग, तो दे यूज टू हेल्प देम. So this will become the habit of the kids. ओके सो यू मीन टू से द चिल्ड्रन विल नॉट बी एबल टू रीड इंडिपेंडेंटली Independent. व्हेन दे कम टू क्लास 1, सो दैट विल बी द प्रॉब्लम दैट वी विल बी फेसिंग व्हेन द कॉन्टैक्ट स्कूल्स विल ओपन. Because the children will be more dependent on the parents, Parents. like And this this. will. Okay. It will create a problem when we will have offline classes. Right. It's the role of teacher only to correct them at the time of When teaching. they are in the school with the teacher, or when they are in the classes with the teacher, be it online or in the offline mode. All right. So this is the suggestion that you want to give to the parents also, I think. Okay. And do you feel any kind of assistance is required from the school or RO that will be of great help in the online teaching and learning of class 1 students? Do you require? I don't think we need anything more. It's okay. Hand part was also good. This hand part is good. Software. Okay. Nothing more. This All is right. the leading point is the main problem for me. Okay, reading is the main concern for you. All right. Thank you, ma'am. Chapter, recitation of a poem, or reading of answers, anything. So Okay. they will see someone's face while reading. When we will face this problem in offline classes. Okay, right. Okay, so the main concern is that the parents help too much in between, and we are afraid that the children will be able to do the same when they come to the school and join us in the contact classes or in the offline classes. So, parents, please cooperate. Let the child do it on their own.
That is the feedback. Okay, thank you, ma'am. Let's now move to Rekha, ma'am. Rekha, ma'am. Hello, good morning, ma'am. Good Good morning. morning. First of all, I am sharing my feedback. Firstly, Yes. I've started the first day for when I started my online classes. Firstly, I am phobia about online classes, but when I'm starting the online classes, I'm enjoying so much to how we take online classes. After, I think all parents and the students of my class will enjoying so much. So I think this is a very good platform for all of us to learn for teaching and learning, कि how I learn in online mode. Then after, I think कि in starting in early age, students of class one learn so techniques. So technique they will know after so many times. तो इन स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग में ही बच्चे इतना सब कुछ सीख रहे हैं जो हम एक्सपेक्ट हैं कि वो सिक्स में सीखेंगे. तो इतनी अर्ली एज में बच्चे सीख रहे हैं जो हम अब तक सीख रहे हैं ना. ये तो तो है, बस टेक्नोलॉजी के वाइज तो बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं. ऑल द स्टूडेंट्स आई हैव पेशेंस बिकॉज आई एम कॉलिंग बाय नेम सो वन दे हैव पेशेंस. ठीक है, तो वो पेशेंस भी वो सीख रहे हैं कि जब उनकी टर्न आएगी तभी उन्हें अनम्यूट होके बोलना है. क्योंकि हम क्लास में देखते हैं फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए के पास पेशेंस बिल्कुल नहीं होता, लेकिन हमको ऑनलाइन क्लासेस में सबसे फर्स्ट यही सिखाना है, बेटा यू हैव पेशेंस एंड डिसिप्लिन व्हेन आई एम कॉलिंग ओनली यू अनम्यूट योरसेल्फ. तो इट्स वेरी आई एम थिंक इट्स वेरी पॉजिटिव फॉर ऑल ऑफ अस. बस ओनली आई नेगेटिव पॉइंट इज दैट कि अवर स्क्रीनिंग टाइम इज सो लेस इन कंपैरिजन टू क्लासरूम. सो यू गेट लेस टाइम टू स्पेंड विद द चिल्ड्रेन. बहुत कम टाइम मिलता है हमें बच्चों के पास में, और उसमें स्पेशली हमें फॉर सारा कंटेंट डिलीवर करना है, और स्पेशली क्लास 1 के बच्चे हैं. क्योंकि हमारे बच्चे वन के टीचर की फेस से ही स्टार्ट करते हैं अटैच होना, है ना. मतलब वो इमोशनल भी हो जाते हैं, हम भी हो जाते हैं. ओनली बस हम यही वाला पार्ट मिस कर रहे हैं, बाकी आई एम सो इंजॉयिंग सो मच टीचिंग एंड लर्निंग बाय ऑनलाइन मोड. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू मैम फॉर योर फीडबैक. एंड लास्ट आई हैव लता मैम ऑन विद मी. लता मैम, यू आर क्लास टीचर ऑफ क्लास फर्स्ट डे. व्हाट इज योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दी ऑनलाइन यस लर्निंग? मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. यस ऑफ कोर्स मैम, इनिशियली वी ऑल वर बॉदर्ड अबाउट द ऑनलाइन क्लासेस. दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस. बट आई थिंक क्लास वन चिल्ड्रन आर वेरी लकी दैट दे वर बीइंग प्रोवाइडेड द फैसिलिटी ऑफ गूगल मीट, गूगल क्लासरूम थ्रू द केवीएस. सो वी ऑल आर इंक्लूडिंग पेरेंट्स, वी ऑल आर वेरी मच थैंकफुल टू आर संगठन कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी, ये प्लेटफॉर्म दिया दैट डिस्पाइट दिस कोविड टाइम जिसमें हम फिजिकली हम नहीं प्रेजेंट हो सकते क्लासेस में, हमारी स्टडीज सफर नहीं करी. तो इससे अच्छी बात और हो ही क्या सकती है. मतलब वर्ल्ड में सारे काम रुक गए और सोचो केंद्रीय विद्यालय संगठन की पढ़ाई चल रही है, वो भी क्लास वन की पढ़ाई. तो मतलब हैट्स ऑफ है कि हमें ये टेक्नोलॉजी मिली है और हमें केवीएस ने प्रोवाइड की और हमारे बच्चे ज्वाइन करते ही उनको मौका मिल गया. एंड ऑफ कोर्स वो स्मार्ट तो है ही, दे आर अवेयर अबाउट द टेक्नोलॉजी और थोड़े टाइम में उन्होंने फटाफट सीख भी लिया क्लास ज्वाइन कैसे करना है, क्लास में डिसिप्लिन कैसे रखना है. और मोर ओवर पेरेंट्स आर टू मच कॉपरेटिंग, मतलब इतना कॉपरेशन अच्छा उनसे मिला है. जो हम पहले हमको समझ नहीं आ रहा था कैसे स्टडीज होंगी, कि सामने बच्चा बैठा हो हम जज कर लेते हो उसके आई कांटेक्ट से, उसके बॉडी लैंग्वेज से कि उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, कहाँ नर्वस हो रहा है क्या. बट दिस थिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल हेयर. अगर बच्चे ने कैमरा ऑन किया है एंड दे डू बिकॉज वी टेल देम टू, तो आई डोंट थिंक वी आर हैविंग एनी अदर प्रॉब्लम डिस्पाइट जस्ट द नेटवर्क इश्यूज जो कभी कभी हो जाते हैं. बट वो भी अब सबने वाईफाई लगवा ही लिया है मैम, जब पता है पढ़ाई ऐसे होनी है. पेरेंट्स आर ऑल्सो कोऑपरेटिंग. एक दो पेरेंट्स के साथ इनिशियली था डिवाइस का, बट दे ऑल्सो उन्होंने मैनेज. भी उसको मैनेज किया क्योंकि स्टडीज को फॉरमोस्ट रखा उन्होंने. एंड आई थिंक ये हमारा टीचर्स का भी मोटिवेशन रहा, बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. एज सीसीए इंचार्ज हमने सारी एक्टिविटीज कंडक्ट करी हैं, वीडियोस भी शेयर करी हैं और हमेशा प्रिंसिपल सर ने और आपने हमें हमेशा गाइड और मोटिवेट किया है.
और हमने अच्छा रिजल्ट दिया है. हमने ऑनलाइन इतने सारे कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज की हैं. अपार्ट फ्रॉम स्टडीज हमने ऑनलाइन गेम्स इतनी सारी उन लोग बच्चों के साथ करी हैं, तो आई कैन सी द स्माइल ऑन देयर फेसेस. वो जो स्पार्क दिखता है उनके आईज में जब वो क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, व्हेन दे आर स्माइलिंग, व्हेन दे आर हैप्पी, तो दैट मीन्स कि जब उनका टेस्टिंग होती है, इधर ओरल टेस्टिंग और थ्रू गूगल फॉर्म्स और थ्रू लाइव वर्कशीट्स, वर्ड बॉल, लॉट ऑफ एप्स, इतनी सारी ट्रेनिंग्स हमको करवाई गई हैं, इतनी न्यू चीजें हमने सीखी हैं. मतलब ठीक है, ये टाइम सबके लिए बहुत डिफिकल्ट था, बट इसने टीचर्स को कितना केपेबल बना दिया, हमने कभी सोचा नहीं था मतलब हम इतना कुछ सीख लेंगे. राइट इनिशियली राइट एक नॉलेज तो रहता है कंप्यूटर और उसका, बट देखो कितनी एप्स और कितनी ट्रेनिंग, कितनी वर्कशॉप्स हमारी हुई हैं, तो सो कितना थैंक्स टू अपग्रेड हो आरओ गया. एंड संगठन फॉर यस दिस, बिकॉज ऑफकोर्स टाइमली ऑफकोर्स, हम टीचर्स की लोग ट्रेनिंग्स ली गई हैं. एग्जैक्टली. और प्राइमरी में तो बहुत ज्यादा हुआ मैम, क्योंकि हमको सिर्फ टीचिंग नहीं करना होता, हमको थ्रू गेम्स उनको जॉयफुल लर्निंग देना होता है. एंड इट हैपेंड, मतलब आपने अब इंस्पेक्शन में भी हमारा फीडबैक इतना अच्छा था, आई वॉज अप्रिशिएटेड अ लॉट, आई कैन नॉट फॉरगेट दोज वर्ड्स, तो वो मेरे माइंड में है. दैट इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन. एवरी टाइम सर कम या आप आते हैं क्लास में, ऑब्जर्व करते हैं, बाद में हमको फीडबैक मिलता है, पेरेंट्स से हम पीटीएम्स करते हैं, बच्चों से भी ऑलमोस्ट क्लास में होता है, तो वन टू वन इंटरेक्शन भी हो रहा है, स्टडीज का फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है. एंड एक सजेशन मैं हाँ ऑफकोर्स दूंगी कि अगर स्कूल बुलाते हैं तो हाँ वाईफाई फैसिलिटी मिल जाए, तो सो दैट कनेक्शंस में प्रॉब्लम ना हो इन बिटवीन, मतलब अनइंटरप्टेड हो जाए स्टडीज. और दूसरा, जब तक ये नहीं हो कम्प्लीटली वेव ऑफ ना हो ये सिचुएशन, क्लास वन घर से अगर ऑनलाइन क्लासेस रहे, क्योंकि हेल्थ इज ऑफकोर्स इम्पोर्टेंट, तो स्टडीज भी सफर नहीं करेगा उनका. इट शुड गो ऑन लाइक दिस, क्योंकि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा, बल्कि अब बहुत अच्छा कनेक्शन बन गया उनसे. बच्चों को पता है टीचर ने क्या हमसे एक्सपेक्ट करना है, हमें पता है ये बच्चा हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड और आंसर करेगा. सो कोई और आई एम एंजॉइंग सजेशन एंड आई मैम? थिंक माई चिल्ड्रन आर ऑल्सो एंजॉइंग. हाँ, दैट वी दैट्स सी इन द इट, बस क्लासेस, ये कि मैम. बट एनी सजेशन टू द पेरेंट्स एंड द यस गार्डियंस मैम, यू वांट टू गिव? पेरेंट्स को कोई वही जो सभी सजेशन? टीचर्स ने कहा दैट दे शुड नॉट प्रॉम्प्ट, दे शुड नॉट प्रॉम्प्ट, क्योंकि हर एक को लगता है मेरा बच्चा हाईलाइट होना चाहिए, बट लेट वी नो व्हाट एग्जैक्टली चाइल्ड का लेवल क्या है, क्योंकि तब हम उसको और ऊपर लेके जाएंगे. तो वो प्रॉम्प्ट ना करें, जैसे बच्चा आंसर दे रहा है, जैसे रीड कर रहा है, जैसे प्लस माइनस कर रहा है, लेट लेट हर डू, लेट हिम डू, सो दैट हम उसको फिर और उसको बेटर कर पाए. ऑलराइट, हालांकि काफी उसमें भी कॉपरेशन है, बट होता है ना एक पेरेंट्स को, मेरा स्टिल. बच्चा आगे, दैट्स इट, बात है बस. ऑलराइट, सो पेरेंट्स प्लीज, यू आर थैंक यू लिसनिंग टू अस, थैंक यू. सो पेरेंट्स प्लीज कोऑपरेट विद द टीचर्स. बस उनको यही प्रॉब्लम आ रही है कि वो जितना भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी आप बच्चों की हेल्प कर देते हैं, तो बच्चों को प्रॉपरली असेस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है. एंड दे वॉन्ट योर चाइल्ड टू बी इंडिपेंडेंट, अपने अप वो खुद रीड कर पाए, खुद लिख पाए, खुद जवाब दे पाए. वो इंडिपेंडेंस वो डेवलप करना चाहते हैं, तो उसमें तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है. सो आई होप नाउ द पेरेंट्स आर लिसनिंग टू अस ऑल्सो, एंड दे विल ऑल्सो कोऑपरेट विद अस इन द सिमिलर मैनर. ऑलराइट, सो थैंक यू टीचर्स. दिस वॉज द सेशन विद द टीचर्स फर्स्ट, एंड नाउ वी विल बी हैविंग द वी विल बी कंटिन्यूइंग द सेशन विद द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स. उनसे भी उनका फीडबैक लेते हैं हम क्लास 1 के रिकॉर्डिंग. So we see that the parents are joining with us. We will wait for a few more minutes so that the parents and the students join, and we will continue with the session further.